सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट अपडेट्स के YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप सभी को हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में चार टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट इंडिया बुरी तरह से हार गया था, जिसके बाद भारत ने इंग्लैंड से बदला लिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते हैं उसके बारे में। तो दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया, जिसके बाद भारत ने इंग्लैंड से अपना हिसाब भी चुकता कर लिया। दोस्तों इसके साथ भारतीय टीम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मैच मोटेरा के स्टेडियम में खेला जाना है और ये डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है। इसके साथ ही भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के उन बदलावों के बारे में जो मोटेरा के स्टेडियम में देखे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव के बारे में जो शायद भारतीय टीम की चिंता बढ़ा सकता है। दोस्तों विराट कोहली को दूसरे टेस्ट मैच में अंपायर से भिड़ते हुए दो बार देखा गया, जिसकी वजह से उन पर बैन लगने की संभावना हो सकती है। और ऐसे में अगर विराट कोहली पर एक मैच का बैन लगता है तो विराट कोहली की जगह टीम में केएल राहुल को मिल सकती है, जो कि अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारत को एक शानदार शुरुआत देने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे टेस्ट मैच में हमने देखा कि सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथ में चोट लग जाने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें तीसरे टेस्ट मैच में आराम दिया गया और उनके बदले भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी करने का भी हुनर रखते हैं, जो कि भारत के लिए खुशी की बात है। इसी के साथ साथ नया बदलाव और देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह टीम में उमेश यादव को मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि मोटेरा की ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है, जैसा कि क्रिकेट एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया। इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम ने ईशांत शर्मा के प्रदर्शन को देखते हुए टीम में उमेश यादव को जगह देने का फैसला कर सकती है। उमेश के पास वो गति है जिसकी वजह से मोटेरा की पिच पर उमेश को मदद मिल सकती है। और इसके साथ साथ चौथा बदलाव और अहम बदलाव होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जा सकता है। मोटेरा के स्टेडियम में बेहतर गेंदबाजी की जरूरत है और वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने का भी हुनर रखते हैं, जैसा कि हमने पहले टेस्ट मैच में उन्हें शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखा था और उन्होंने 85 रनों की शानदार पारी खेली थी। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम में चार बड़े बदलाव मोटेरा के स्टेडियम में देखे जा सकते हैं। इसलिए भारत तीसरे डे नाइट मैच में इन बदलावों के साथ मैदान में उतर सकती है, जिनके साथ एक समस्या और भी है। दोस्तों अगर विराट कोहली के ऊपर एक मैच का प्रतिबंध लगता है और उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए बाहर बैठना पड़ता है तो ऐसे मौके पर टीम की कमान किस खिलाड़ी के हाथों में होगी, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अजिंक्य रहाणे ने अपनी शानदार कप्तानी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सीरीज को जिताया था। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा, जिन्होंने दूसरे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए इतनी बड़ी पारी खेली और 161 रन बनाए, उनकी इस पारी को देखते हुए ये कह पाना ज्यादा मुश्किल होगा कि अगर विराट कोहली बाहर होते हैं तो टीम की कमान किस खिलाड़ी के हाथ में होगी। हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की खबरों के लिए।